चैंपियन टीम है ईपीएल एफसी। आज देखा है आज क्या करेगी टीम ईपीएल सिंह एफसी। और हाल फिलहाल में देखा जाए सुखलाइया के मैदान में 16-17 नवंबर को बिरसा जयंती के शुभ अवसर पर जो आयोजित की गई थी मैच, उसमें एक टीम विजेता रही थी। ये एक बड़ी टीम है वो है ईपीएल सिंह एफसी। कहीं ना कहीं दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में सुबह तक खेलने का एक अनुभव है। और देखा जाए खिलौते एक योग टीम है, कहीं ना कहीं अंडर 17 की तरफ से ईपीएल सिंह एफसी जो सुबर्तक कप खेली थी आज कहीं ना कहीं नई उमंग नई जोश के साथ नजर आता हुआ। और निश्चित रूप से लेकिन विरोधी टीम ये दर्शा दिया कि हम भी किसी से कप नहीं, वो टीम है एफसी जिंकपानी, वो भी अपना ताकत झोंक दिया है मैदान में। नासिर अफरी लंबा हुसल के साथ में आज का आगाज कर चुके, आज का तीसरा मैच चौथा मुकाबला और हुसल का आवाज रोकने के लिए हमारे तरफ से वारे टेन को यहां पर टैकल किया गया जैसे और दो के द्वारा सही निर्णय। हुसल के साथ फ्री किक का इजाजत देखना होगा, लो नंबर 13 के तहत फ्री किक वेट फॉर हुसल, इंतजार करना होगा रेफरी का। हुसल का 9.15 मीटर दूरी पर वाल खड़े हुए हैं ये शॉट को रोकने के लिए ईपीएल सीडीएफसी के नौजवानों ने, तीन तीन खिलाड़ी वाल पर खड़े हुए हैं कमला भाई। और एक अच्छा मौका यहाँ पर देखा था एफसी चिक पाने के लिए जर्सी नंबर 12 बिल्कुल भी इसके कैप को तैयार, लेकिन निराश किया है यहाँ पर उत्साहित दर्शकों को। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा मौका बन सकती थी गोल पोस्ट पर खड़े दुईटा बॉल रखीबे ଚାଲିଯିବ। लाइन जिम्ती पड़ी सेमती पड़ी थी आराम बस कि खेल देखिकी सन्धार घर को जी सुंदर मार्केट मध्य रही मिनी मार्केट सते मीना बजार भरी एपटे गोटे पर गोटे आकर्षण मैच आम देखा पाइबा आम भनगांव सेंट्रल फुटबॉल प्ले ग्राउंड सुसज्जित ग्राउंड एवं जदि आलुर अभाव है बैड लाइट जिते बतते फ्रंट लाइट अन कर दिजिव सुंदर चिंताधारा करिसंती क्लब रो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एक सुंदर प्रस्तुति जदि कौनसी मैच रे टाइम हला नाही ग्रुप फाइनल मैच रे अंधार हो गला तबे फ्लड लाइट को ऑन कर दिया जीवो एवं आमे मैच को सुरखुर भाव रे सारिबा पई सुजोग पाइबा एमिति किछि सुजोग दोसी वर्ष केबीएस पैतरणी क्लब हाफ लाइन पाका पाकी बॉल सुंदर भाव रे सुजोग ले पर अंचल को आक्रमण से जीत पारे किंतु परवर्ती में आज एमपी क्लब केंद्र जोर एवं जल दिया आसे आप हमारे प्रस्तुत रहिबे दुई टीम गोल की क्रॉस वन सुजोग टीम ईपीएल सिंह एफसी जमी आम सूचाई दूसलु रामलाल भाई विस्तृत भाव में सूचाई दूसरे मुझे सूचाई दूसरी जो मानते सुब्रत अनुभव रही दिल्ली स्टेडियम जो मैंने खेली अभिज्ञता साउंटी आम जिला आम सिंहभूम अंचल जयसेव 12 जिंकपानी वर्ष साथी खिलाड़ी को देवा पूर्व डिफेंडर क्विक रिलीज करते रायगढ़ डिफेंडर जुव खिलाड़ी 8 वर्ष खिलाड़ी सजन उद्देश्य वन टच टू टच पास सहित सुंदर कॉम्बिनेशन आखि आखि इशारा रो पास दबार सक्षम शून्य शून्य महाशून्य स्थिति रे मैच कथा रे अछि सुंदर तृप्ति रो अवसाद नाही जेते देखु दिले नुआ दिसु थाई सुंदर परिवेश वातावरण अति चमत्कार रहिछि सुंदर गछलतार संपूर्ण सबुज परिवेश कहिले अत्युक्ति हो नाही रंग बेरंग पोशाक पिंधि समस्त आज मतुआन अच्छा टूर्नामेंट को नहीं হুইসেল শব্দ সহিত ফ্রি কিক পরবর্তী ম্যাচ পাই এমপি ক্লাব কেন্দ্র জর্জল দিয়া আসছি টাইম পাস 11 লিসি আমি ক্রিয়েশন লাগে নাগ সম্বলপুর জুনিয়র বয়েজ ক্লাব জগনাথপুর প্রাক পান্থার সহিত হিমাংশ 11 ঘাটশিলা প্রত্যেক দল নির্ধারিত সময়ে পড়িয়ার প্রবেশ করিবা পাই জমার ওহরা করিবে নাহি বিপ্লব স্যার পাখরে আসি নিজ নিজ অফিসিয়াল ক্লিয়ারেন্স করি প্লেয়ার লিস্ট ফর্ম নেই যাবে
এবং প্লেয়ার নিশ্চয় মাকরি সজাগ রইবে প্রত্যেকটি দল প্রশ্ন ওয়ান টাচ পাস জশবন্ত আসিব খেলোয়াড়ি দ্রুত গতিরে আগে যাচ্ছে টিম ঠিক পানি কোনসি সুযোগ নাই ডিফেন্ডার সাথে যে পর পাহাড় পড়ি ছিড়াইছন্তি বিপদ কলা বাদল কোয়ারি দেওয়া পাই धीरे धीरे सुंदर स्किल ग्यालरी दर्शक मान समावेश लगी परमानेंट ग्यालरी स्वतंत्र भाव चारोटी ग्यालरी रही सहित जो पार्सल ग्यालरी है ना लेडीज ग्यालरी साइड अन्य ग्यालरी चेयर पकई दि जाए दर्शक भाई मानी भोट मान के सुरक्षित भाव में टूर्नामेंट को उपभोग करेंगे सुंदर पांच दस नंबर पंदर कमाल का आक्रामक अंदाज जिपारी एफसी की ओर से देखने को मिलता हुआ नजर है नौजवानों के सामने अनुभवी खिलाड़ियों ने कमाल का हमला किए हैं लगातार तीन तीन बार अटैक किए हैं हालांकि फिनिशिंग हुआ नहीं और इसी यहाँ पर कमाल का देखने को मिला इस समय डिफेंडर पर तैनात बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर फुल अपने डेंजर जोन क्लियर करने में सक्षम होता हुआ क्या मौका बनेगा यहाँ पर देखा जाए एफसीसी पानी थोड़ी सी हबी होता हुआ अपने टीम ईपी सिंह के ऊपर और कहीं ना कहीं यहाँ पर हेडिंग के माध्यम से अच्छा कंट्रोल के साथ बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ लेकिन पूरा बारह नंबर की जर्सी में इस समय सिंह पानी एफसी की टीम जानवर के डिफेंडर लेकिन उतारे भूमि सबसे दूर क्षेत्र के चर्चित नेत्री उनकी नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामों की समय एक उभरते हुए नौजवान सितारा जर्सी नंबर 7 यहाँ बहुत जा पाएंगे गोलकीपर काफी आगे आए हैं कहीं ना कहीं मजबूत के यहाँ पर गोलकीपर को आने के लिए मौका रहेगा इस समय जर्सी नंबर 8 के लिए बहुत धकेला सा है लेकिन अच्छा ब्रोक आई वहां पर अभी भी मौका लेकिन वहां पर पहुंच जाएगी गोल लाइन से बाहर सहयोगी शिवराम रेस्टोरेंट एवं पुगा रेस्टोरेंट एयर वन एयर टू रे निजर दायित्व को निर्वाह करने प्रश्नात्मक स्थिति कौन से सुजोग नहीं जुव खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास रे भरपूर रहिबा पाई पड़िबो मैच रे समस्त मन पसंद रहो एक मैच आज दिन प्रथम दिन जो मैंने विरम्बर आसती लास्ट ईयर चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन भारत 11 डीपीएस एमबीवाईसीएफसी को परास्त करी उद्घाटन मैच रे नेहरू यूथ स्पोर्टिंग को परास्त करी जीओ स्टार चाइवासा एवं तृतीय मैच कथा जदि कहिबा तबे बम बम भोले बरबिल डीआरसीएफसी विरुद्ध रे वाकओवर जरिया विजय लाभ करी पहुंचीची सेकंड राउंड को यहां आजिर चतुर्थ मैच बर्तमान जाए रही सीकांत मध्य अवगत करदेवी आज पांच दिन फाइनाल डे 31 डिसेम्बर पुरुष मान मैच होगा सहित गोटे वोमेन्स मैच हे महिला मान प्रदर्शनी मैच अनुष्ठित हो जो मैच आम देखा पाइबा चंपारी स्कूल टीम एवं सियाली जोड़ा स्कूल टीम मध्य तो ना दिया जाए स्थानीय अंचल दुईटी टीम किंतु प्लेयर अनेक दूरवर्ती अंचल आसवे जमशेदपुर अंचल कटक भुवनेश्वर स्टार प्लेयर मान महिला टीम प्लेयर मान अंश ग्रहण करेंगे आम भनगांव फुटबल प्ले ग्राउंड रे कॉर्नर किक सुवर्ण सुजोग मात्रा रे हाल सुफर पाई टीम चिकपानी एफसी हेड करी पास दे जशवंत टीम पाई लंबा किक ओ गोलकीपर कोशिश किया था होइसिल का आवाज फाउल का संकेत गोलकीपर के राडार पर थी ये बॉल पोजीशन उनको बाधा डालने के और सीधे जो दिया फिर से मैदान में जहां पर किक ऑफ हो चुकी है प्लेसमेंट मध्यंतर के बाद करते इससे वह सीख पाने इसमें जरा इस समय 11 नंबर के लिए कमाल के पास निकले हैं क्या मौका रहेगा यहाँ पर बिल्कुल भी 16 नंबर के पास बोल 16 नंबर के द्वारा अच्छा कंट्रोल के साथ क्या योजना रहेगा क्या अंतिम
करता हुआ और ऐसा लग रहा था कि शायद मानो अंतिम वहां पर गोल हो सकती थी, लेकिन उसको यहां पर बहुत ही सुंदर बचाव किया। इसी के साथ यहां पर देखते हैं आज दीपक सिंह की जिस चीज के लिए जानी जाती है वो चीज यहां पर आप दिखाने का कामयाब नहीं, कहीं ना कहीं बोले पूरा सैलन से बाहर और थोड़ी का मौका रहेगा जर्सी नंबर 10 के लिए। जर्सी नंबर 10 के द्वारा जर्सी नंबर 11 के द्वारा समय थ्रो बहुत ही सुंदर मोमेंटम इस बार क्रॉस आई मौका रहेगा यहाँ पर कमाल किया पर बोला ही जहां पर देखा था उनकी प्रबंधन काफी अच्छी दारी तरह वहां पर गोता लगाकर गोल को वहां पर बचाने में कामयाब रहा, लेकिन लाजवाब शॉट। लेकिन तमाम दर्शकों के यहाँ पर अपनी ओर आकर्षित किया आज ईपी सिंह जर्सी नंबर 6 वहीं का मौका रहेगा अच्छी चीख पाने के लिए। कमाल का खेल चलता हुआ पहले हाफ की अगर चर्चा किया जाए तो दोनों टीमों के यहाँ पर समान मौका मिला, लेकिन उन मौकों को एक गोल में तब्दील करने में कामयाब नहीं। लेकिन देखते हैं यहाँ पर दोनों टीमों का छोर बदल चुकी है और क्या छोर बदलने के साथ ही दोनों टीम अपने किस्मत को बदल पाएंगे। सुंदर तरीके से यहाँ पर गोल कराया लंबे प्लेयर ने यहाँ पर जर्सी नंबर 4 के लिए, जर्सी नंबर 4 थोड़ी सी होट पर रखने के बाद अपने साथी खिलाड़ी के लिए गोल को बनाए हैं। क्या योजना है यहाँ पर जर्सी नंबर 4 के लिए बहुत ही सुंदर पोजीशन बनाती हुई और एक टीम अब बिल्कुल भी देखा जाए लय में नजर आता हुआ। जर्सी नंबर 7 के द्वारा बहुत ही सुंदर पास होकर आएगा पूरा जर्सी नंबर 6 के लिए, लेकिन इस बार निराश नहीं है कहने के अपने हाथ में थोड़ी सी नाखुश रहेंगे। एक ऐसा मौका था आपके लिए सेकंड बार में जीरो एगल्स यहाँ पर गोल को डालने के लिए और कमाल का प्रयास था जर्सी नंबर 6 के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्साहित दर्शकों को निराश किया है। बदेंद्र के पास का खेल जरूर यहाँ पर ईपी सिंह दोगुना उत्साह के साथ नजर आता हुआ बिल्कुल भी अपने निराले अंदाज में खेलता हुआ, लेकिन गोल पर सही नियंत्रण नहीं सही रिसीव नहीं तो एक मौका आएगा फिर से ईपी सिंह एफसी के लिए। ईपी सिंह एफसी जर्सी नंबर 11 बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर जर्सी नंबर 4 ने वहां पर डिफेंडर 3 के लिए गोल को बनाया। डिफेंडर 3 नंबर की जर्सी वहां पर मौका देते हुए सपोर्ट के तौर पर जर्सी नंबर 2 लेकिन उनसे बोल छीन ली क्या 10 तक वहां पर पहुंच पाएंगे। 10 और 2 के बाद इस समय फिर चलता हुआ लेकिन यहां पर फाउल का सिग्नल रहेगा रॉन्ग टैकल ऑफनर द फाउल नियम नंबर 12 के तहत यहां पर उदय मुर्मू जी फाउल का सिग्नल और कहने के लाभ लेता हुआ टीम ईपी सिंह एफसी। ईपी सिंह एफसी के द्वारा इस समय कमाल का शॉट और कहीं ना कहीं उत्साह के साथ बोलो का अपने जर्सी नंबर 7 के लिए बोल को बढ़ाया था लेकिन साथ साथ पहुंची नहीं पुनः बोल जाएगी साइलेंट से बाहर और थोड़ी का मौका रहेगा टीम ईपी सिंह के लिए। সহিত গোল করিবার অসফল রয়েছে দুই টিম সুযোগ ব্রহ্মান আক্রমণে বর্তমান অত্যার নেবার সক্ষম বিপিন সিং এফসি যুব প্রতিভাবান কামিগুড়াই कप्तान टीम मैनेजर ध्यान दें आप अगर सही समय से आते हैं प्लेइंग टाइम तो सही समय पर मैदान के अंदर आना होगा। जसवर से अपने नियंत्रण में लेते हुए ईपी सिंह एफसी के नौजवान खिलाड़ी जसवर 8 जेत पर्यंत कंट्रोल करते लेडीज गैलरी सामना चोटी सिराई चंदी নীলমণি বেহেরা সে পাখর বল করা প্রয়াস করে বল সিধা সড়ক স্পর্শ রেখা বাহার এবং থ্রোইন সুযোগ সুযোগ পরিচালক শিবরাম বদুয়ারা যশোর 11 লেপটা অঞ্চলকে আক্রমণ প্রস্তুতি কোশ সুযোগ না উৎসাহিত দর্শক সমস্ত দরাস্য মনোভাব নেই বসিছন্তি তাঁর মনপসন্দ ম্যাচ কেবিএস রে যে প্রকার ম্যাচ র আসামি আসিছন্তি সত্য যেপরি তাঁর মন টিকিয়ে কষ্ট লাগুত নিশ্চয় কিন্তু সময়ক্রমে গোটিয়ে পরে গোটিয়ে আমি রোমাঞ্চকর ম্যাচ মধ্যে দেখিবাকু পাইবা আজি ফাষ্ট অবসরে সতীকরণ দেওয়া পাই চেষ্টা করতে ডিফেন্ডর কষ্ট বাদী বল সিদ্ধান্ত স্পর্শ রেখা বাহারে
स्वयं नसब अनसज आगे ये पहला कोसा इस मुकाबला का स्वयं का मौका मिला इस मुकाबला में टीम इपिल सिंह एफसी को प्रोसेस कमदार की कोशिश किए थे वहां पर लेकिन रन टेकल वहां पर लेंगे मारने के लिए प्रयास फाउल का संकेत सुना बारंबार में सुचाई नहीं सु जो हमारे ओडियंस गैलरी रही सी परमानेंट गैलरी रही सी आप माने से गैलरी को अपरिष्कार करेंगे नहीं पान घुटका खाई छेप पकड़े नहीं मु पूर्व सुचाई नहीं थी डस्टबिन व्यवस्था करें निश्चित भाव में आप निजे जन जन श्रृंखलित दर्शक हमने आम को सहयोग करेंगे केवल आज ये टूर्णमेंट शेष हम ना चार दिन महामेला चार दिन का ये टूर्णमेंट आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता तमाम अनुशासित ऑडियंस हमें सहयोग करेंगे यहाँ थूकना मना है मेरे दोस्त यह मौका दसवर टेन को आता हुआ यह आसमान से हो सकता अंतिम समय पर मौका हो वहां पर जगह होगा जान को बाजी में लगा दिए इसी के साथ यह गोल आखिरकार मेहनत रंग लाया है गोल है वो दे बोले वो दिया जवाब जवाब मिलियन निकल रहा है ऐसा आवाज आप दिए एक गोल यानी कि मेहनत का फल कह देना कि हमेशा मीठा होता है बहुत देर से संघर्ष जारी था मैदान में एक गोल डालने के बाद और भी स्पीड हो चुका है टीम ये भी सीनियर एफसी और ध्यान देंगे दर्शक बंधु जो रोड़ा है जो नॉर्मंडी को जोड़ती है रोड़ा है काफी सारे वहां पर बाइक आपने खड़ा किया है जो भी प्रिय दर्शक है आप सब उसे निवेदन रहेगा प्लीज आप बाइक की जो है आप रोड के ऊपर खड़ा ना करेंगे जैसे शुरुआत समय मैदान आने के लिए वहां पर स्टैंड बनाई गई है वहां पर आप रख सकते हैं और बिल्कुल भी इत्मीनान के साथ इस टूर्नामेंट का आप आनंद ले सकते हैं जो भी प्रिय दर्शक आप अगर बाइक को रोड में खड़े किए हैं आपसे निवेदन रहेगा प्लीज आप रोड को संकीर्ण ना करें छोटा ना करें कंजेस्टेड ना करें क्योंकि आप सभी जानते हैं यही एकमात्र रोड है जो झारखंड को जोड़ती है।